आपकी खूबसूरत मजमून लिखा है आपकी किताब पर तफसीली, आप उसका आखिरी एक पेज पढ़ेंगे आप और आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आपसे किताब वसूल फरमाएंगे अर्ज ले ली। जनाबे साहबजादा मोहम्मद अवैस अजहर मदनी साहब अपने मजमून का आखिरी सवाल इख्तितामी है, कंक्लूजन है, वो पेश फरमाएंगे और उसके बाद शाह साहब की खिदमत में पेश करते हैं और इनसे किताब का नुस्खा अर्ज ले ली गई। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين। मुझे उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया था और मैंने कुछ कोशिश की तो बिल्कुल मुख्तसर चंद बातें जो मैंने लिखी उनमें से पेश करता हूँ। कि मैंने लिखा है कि इरशाद बारी ताला है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। इसकी शेरी तफसीर देखनी हो तो लीजिए, आधा पर मिट्टी फेंकी हाथ में था अल्लाह का। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का जो रास्ता बताता है वो इत्तिबाए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इत्तिबा के लिए लाजिम है कि महबूब से टूट कर मोहब्बत की जाए। गोया हुब्बे रसूल हुब्बे खुदा ही का नाम है, जो हो गया रसूल का उसकी बनी है बात। और मुहिब अपने महबूब का दीवाना होता है और वो हर वक्त उसी की याद में रहना पसंद करता है। चुनांचे हर आशिक की तरह सैयद साहब की भी यही ख्वाहिश है कि तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और बात ही की जाए। खुदाया सना खानी करता रहूं, दमा दम में दम उनका भरता रहूं, उनकी तारीफ में मुनहमिक मैं बनता समरता सुधरता रहूं। आपकी तौसीफ का दौरानिया है बेकराम, लम्हा मौजूद माजी साते आइंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत सैयद रियाज हुसैन ज़ैदी दामत बरकातहू आलिया को यूं ही खिदमत इनात में मसरूफ रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन।